पंजाब में मक्खन की बढ़ती खपत को देखते हुए सहकारी उत्पादक कंपनी वेरका की ओर से मक्खन निर्माण की कैपेसिटी में बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक नगरी लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट की ओर से अब रोजाना 10 टन अतिरिक्त मक्खन का उत्पादन किया जाएगा। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वेरका मिल्क प्लांट पहुँचे और प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमारी पंजाब सरकार की टीम एक परिवार है, सबका मकसद पंजाब की भलाई है। मैंने किसी की निंदा और चुगली नहीं की। आपको बता दें कि 105 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट से अब 5 लाख लीटर की बजाय 9 लाख लीटर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाएगी। पंजाब में भगवंत मान सरकार और राज्य के गवर्नर आमने सामने आ गए हैं। राज्य के कृषि मंत्री केएस धालीवाल ने गवर्नर से माफी मांगने की अपील भी की है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य सरकार को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने की मांग की थी और नियुक्ति के फैसले को अवैध करार दिया था। आम आदमी पार्टी सरकार में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गवर्नर को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि यह यूनिवर्सिटी राज्य में कृषि की रीढ़ है और उन्होंने यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा नियुक्त वीसी का अपमान किया है जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के लोग करते हैं। गैंगस्टर दीपक टीनू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने टीनू को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने यह सफलता हासिल की है। सूत्रों के अनुसार दीपक टीनू अजमेर से काबू किया गया है। आपको बता दें पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो राजस्थान में छिप कर बैठा है। पठानकोट पुलिस द्वारा गोसाई के गांव में इलीगल तौर पर स्टोर किए गए पटाखों के गोदाम पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी में पुलिस के साथ एसडीएम पठानकोट भी मौजूद रहे। पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से स्टोर किए गए करीब 4 लाख के पटाखे जब्त किए गए हैं जब और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि पटाखा बेचने वाला तीसरा व्यक्ति फरार है। इलीगल तौर पर स्टोर किए गए पटाखों के गोदामों पर पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि भीड़भाड़ वाले इलाके में आगजनी की कोई घटना ना हो। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का नतीजा आ गया है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की है। उन्हें कुल 7,897 वोट मिले हैं। इसके अलावा शशि थरूर को भी 1,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन नतीजे आने से कुछ समय पहले हरियाणा के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दे डाला। विज ने कहा कि अब देखना होगा कि पार्टी का रिमोट कौन बनता है। इस रिमोट को चलाने वाला तो गांधी परिवार ही रहेगा। बीती 17 अक्टूबर को एक ऑटो चालक ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि इफ्को चौक इलाके में लावारिस हालात में सूटकेस पड़ा है जिसमें एक युवती की नग्न हालात में शव बंद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और तफ्तीश में 4 क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया जिसमें क्राइम यूनिट डीएलएफ फेज 4 की टीम ने वारदात में शामिल राहुल नाम के युवक को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर उसके कब्जे से वारदात में शामिल तेज धार हथियार बंद को भी बरामद किया है। हत्यारोपी राहुल ने पूछताछ में खुलासा किया कि मृतका उसकी बीवी थी और उसने 16 अक्टूबर की रात उसकी गला दबा कर हत्या कर दी थी। पुलिस की माने तो हत्यारोपी राहुल ने 16 अक्टूबर की देर रात बीवी से हुए विवाद के बाद उसकी गला दबा कर हत्या को अंजाम दे दिया था और उसके शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए ये सोचता रहा और सुबह होते ही बड़ा ट्रॉली सूटकेस खरीदने बाजार चला गया और उसी सूटकेस में बीवी के शव को नग्न हालात में पैक कर इफ्को चौक में फेंक कर फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा ने अपने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जिसके तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से और अनिल शर्मा मंडी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं सतपाल सिंह सती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। पहले लिस्ट में 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस सूची में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे और मौजूदा विधायक विक्रमादित्य सिंह चंपा ठाकुर को मंडी से और वहीं सुधीर शर्मा को धर्मशाला से प्रत्याशी बनाया गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घाटी के माहौल के बारे में कहा कि यहां हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने आतंकी इमरान गनई का बचाव करते हुए पुलिस पर सवाल उठाए। वहीं कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के चलते हिंदू मुस्लिम कर रही है।
आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के हरमेन शोपिया में कन्नौज उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर हमला करने के आरोप में पकड़ा गया आतंकी इमरान बशीर गनई एक तलाशी अभियान के दौरान अपने साथियों के साथ फायरिंग में मारा गया। इस बात की पुष्टि स्वयं पुलिस ने की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को आज अपना नया अध्यक्ष मिल गया। सीताराम केसरी के 24 साल बाद कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से अध्यक्ष चुनाव में हराया है। वहीं चुनाव से पहले माना जा रहा था कि खड़गे आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। खड़गे को 7,897 वोट मिले जबकि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले। 416 वोट अमान्य करार दिए गए। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 9,900 में से 9,500 डेलीगेट ने वोटिंग किया था। वहीं थरूर ने खड़गे से हार स्वीकार करते हुए पार्टी के नए अध्यक्ष को बधाई दी है। हालांकि मतगणना के दौरान थरूर कैंप ने मतदान में धांधली का मुद्दा उठाया था।